तो देखिए दूसरा सवाल दिया गया है, निम्नलिखित सारणी के खाली स्थान को भरिए। मतलब यह सारणी दिया हुआ है आपको, इसमें से दिया हुआ है सबसे ऊपर संख्या दिया हुआ है और नीचे गुणन प्रतिलोम। संख्या दिया हुआ है -13, 5/4, 4/-7, -5/8 और -1, और एक उदाहरण के रूप में आपका गुणन प्रतिलोम दे दिया गया है। -13 का गुणन प्रतिलोम क्या होगा, 1/-13। तो इस तरह से हम लोगों को इन सारी दी हुई संख्याओं का गुणन प्रतिलोम हम लोगों को ज्ञात करना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि गुणन प्रतिलोम होता क्या है, किसे कहते हैं और इसे हम लोग परिभाषित कैसे करते हैं। तो गुणन प्रतिलोम के बारे में हम लोग अभी चर्चा करते हैं। देखिए गुणन प्रतिलोम किसे कहते हैं, गुणन प्रतिलोम यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसको परिभाषित किया गया है, जब दो संख्याओं का गुणनफल एक हो। हम लोग योज प्रतिलोम में क्या पढ़े हैं कि दो संख्याओं का योगफल, यहाँ पे गुणन प्रतिलोम में है दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि जब दो संख्याओं को गुना करने पर, जैसे देखिए एक संख्या है दो, एक है 1/2, अगर इन दोनों को हम गुना करते हैं तो गुणनफल कितना होगा, एक। भिन्न का गुना करना जानते हैं, दो इसके नीचे दो है तो इसके नीचे क्या होता है, एक होता है, गुना है तो यह से यह कट जाएगा तो यह हो जाएगा 1/1, यानी कि इसको एक। तो जब भी दो संख्याओं का गुणनफल एक होगा तो वे दोनों संख्याएं एक दूसरे की व्युत्क्रम, इसको दो तीन नाम दिया गया है, एक नाम दिया गया व्युत्क्रम, गुणात्मक प्रतिलोम या गुणन प्रतिलोम कहलाती है। यहाँ पे देखिए दो को अगर 1/2 से हम लोग गुना किए थे तो गुणनफल क्या आया था, एक। तो दो का गुणन प्रतिलोम कितना हो जाएगा, 1/2। उसी तरह से अगर पूछा जाए कि 1/2 का गुणन प्रतिलोम क्या होगा तो हो जाएगा 2, एक दूसरे का गुणन प्रतिलोम कहलाएंगे। यहाँ पर एक नोट में दिया गया है कि शून्य मतलब जीरो का कोई भी गुणन प्रतिलोम नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि शून्य में हम किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो उनका गुणनफल 1 कभी नहीं होगा। इसीलिए हम लोग के शून्य का कोई भी गुणन प्रतिलोम नहीं होता है। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे किसी भी दी हुई संख्याओं का गुणन प्रतिलोम निकालेंगे। तो इसमें दो चीज ध्यान देने वाली बात है कि अगर धनात्मक संख्या है तो उसका गुणन प्रतिलोम भी धनात्मक होगा। कहने का मतलब है कि उसके चिन्ह में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अगर यह प्लस का चिन्ह रखता है तो यह भी प्लस का चिन्ह रखेगा, और अगर ऋणात्मक संख्या है तो उसका गुणन प्रतिलोम भी ऋणात्मक होगा। मतलब चिन्ह में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। तो परिवर्तन कहाँ होगा, सिर्फ उसके अंश और हर में परिवर्तन होगा। जैसे अगर दिया हुआ है, पूछ रहा है कि 3/4 का गुणन प्रतिलोम क्या होगा, तो हम लोगों को करना क्या है कि यह है हर और ऊपर में होता है अंश, तो जो दिया गया संख्या है उसका जो अंश है उसका हर बन जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा और जो हर है वह हो जाएगा अंश। यहाँ भी देखिए, यहाँ पर भी प्लस था मतलब नहीं चिन्ह है मतलब प्लस का चिन्ह है, यहाँ पर भी प्लस है मतलब प्लस का चिन्ह है। इसमें कोई भी चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं, बस अंश कहाँ चला गया, हर के स्थान पर, हर चला गया अंश के स्थान पर। तो यही होता है गुणात्मक प्रतिलोम। अब इन दोनों का अगर गुना कीजिएगा 3/4 को और 4/3 को, तो यहाँ देखिए 4 से 4 कट जाएगा 1/3 और 3 से 3 एक में 1 से गुना करें कितना हो जाएगा, 1। तो दोनों का गुणनफल कितना आ गया, 1 आ गया। इसीलिए ये दोनों संख्याएं एक दूसरे का गुणन प्रतिलोम कहलाएंगे। अब यहाँ देखिए सवाल दिया हुआ है आपको कि 5/4 का गुणन प्रतिलोम क्या होगा। तो हम आपको बताएं कि चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं, मतलब इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है मतलब प्लस का चिन्ह है, तो हम लोग का भी प्लस का चिन्ह रहेगा, और जो अंश है वो हर में चल जाएगा, जो ऊपर है वो आ जाएगा नीचे और जो नीचे है चला जाएगा ऊपर। तो 5/4 का हो गया गुणात्मक प्रतिलोम 4/5। अब यहाँ 4/-7 है, तो चिन्ह क्या है, माइनस का है,
तो हम लोग का भी चिन्ह माइनस का ही होगा। तो ये माइनस सात है तो माइनस कहाँ चल जाएगा, ऊपर, माइनस सात और जो अंश हो जाएगा नीचे, माइनस सात बटा चार, यह हो गया इसका गुणात्मक प्रतिलोम। अब यहाँ माइनस पाँच है और माइनस आठ है, तो जब ऊपर भी माइनस हो नीचे भी माइनस हो, दोनों माइनस माइनस क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, मतलब इसका चिन्ह जो है किसका हो गया, प्लस का। तो हम लोग का भी अगला भी चिन्ह रहेगा वो प्लस का ही रहेगा, लिखना कोई जरूरी नहीं है, प्लस प्लस का चिन्ह रहेगा, लेकिन क्या है जो ऊपर वाला है अंश है वो आ जाएगा हर में, और जो हर आठ है वो चला जाएगा अंश में, तो हो जाएगा कितना, आठ बटा पाँच। अब माइनस एक, माइनस एक का गुणन प्रतिलोम क्या होगा, इसका गुणन प्रतिलोम हो जाएगा, इसके नीचे क्या रखते हैं, एक, यह चिन्ह है माइनस का तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं, और यह नीचे भी एक है ऊपर भी एक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक। तो माइनस एक का गुणन प्रतिलोम हो जाएगा माइनस एक। अगर माइनस एक और माइनस एक को हम लोग गुना करके देखिए, माइनस एक और माइनस एक को गुना कीजिएगा तो यह माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, दोनों गुना करने पर एक। तो दोनों संख्याओं को गुना करने पर एक आ रहा है, इसलिए माइनस एक का गुणात्मक प्रतिलोम हमेशा माइनस एक ही होता है, या प्लस वन रहेगा या तो इसका भी गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, प्लस वन ही रहेगा। तो एक ही एक संख्या ऐसी है कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम वही होता है। तो इस तरह से हम दी हुई संख्याओं का गुणात्मक प्रतिलोम निकाल सकते हैं। कोई भी संख्या अगर 8 बटा 9 दिया हुआ है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, तो झट से क्या करेंगे, जो हर है उसको अंश में भेज देंगे और जो अंश है उसको हर में भेज देंगे, तो 9 बटा 8, चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं, क्योंकि यहाँ भी प्लस चिन्ह है, यहाँ भी प्लस चिन्ह रहेगा। तो इस तरह से हम लोग गुणात्मक प्रतिलोम को निकालते हैं। अब आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर।